टोयोटा अगले महीने अपनी कार टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस से पर्दा उठाएगी। कंपनी इससे पहले इंडोनेशिया में लॉन्च कर सकती है, वहीं इंडिया में इस कार को 2023 की शुरुआत में लॉन्च कर सकती है। सूत्रों के अनुसार इनोवा के इस नए मॉडल का डेब्यू कंपनी नोएडा में होने वाली 2023 ऑटो एक्सपो में कर सकती है। हालांकि इस बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी अभी कंपनी की ओर से जारी नहीं की गई है। कंपनी इस एमपीवी को इंडिया में हाई क्रॉस के नाम से पेश करेगी, वही इंडोनेशिया में इसे इनोवा जेनिक्स नाम दिया जाएगा। कस्टमर्स की जरूरत के हिसाब से एमपीवी में अलग अलग सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन होगी और इसे मौजूदा इनोवा क्रिस्टा के साथ ही रिटेल किया जाएगा। माना जाता है कि आने वाली एमपीवी क्रिस्टा की तुलना में अप मार्केट होगी। इसमें इंजन अपग्रेड के साथ ही कई तरह की कॉस्मेटिक बदलाव भी होंगे। इनोवा हाईक्रॉस की मैन्युफैक्चरिंग में खास आर्किटेक्चरल टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, जिससे इसकी केबिन और बूथ स्पेस को बढ़ाया जा सके। टोयोटा इनोवा की इस नई जेनरेशन में हाइब्रिड पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल करने जा रही है। इससे कार का माइलेज बढ़ेगा और रोजमर्रा की ड्राइविंग कंडीशन में इसका इस्तेमाल आसान होगा। वहीं इसकी फीचर्स की बात किया जाए तो कनेक्टेड टेक के साथ बड़ा फ्लोटिंग टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, पैनोरामिक सनरूफ, टोयोटा सेफ्टी सेंस सूट, 360 डिग्री कैमरा सिस्टम, वायरलेस चार्जिंग डेक, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल और नई डिजाइन की स्टीयरिंग व्हील दिया जाएगा। टोयोटा इनोवा की इस नई अपग्रेड के बारे में आपका क्या विचार है आप कमेंट में जरूर लिखिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए और हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।